महाराष्ट्र के यवतमाल में बाढ़ के हालात हो गए हैं। अनंतवाड़ी गांव में फंसे कई लोग गांव में रेस्क्यू के लिए प्रयास लगातार जारी है। मौके पर प्रशासन ने हेलीकॉप्टर भेजे हैं। तो एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम रवाना हो गई है। गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। मौके पर प्रशासन ने हेलीकॉप्टर को भेजा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम अनंतवाड़ी के लिए रवाना हो गई है। महाराष्ट्र के यवतमाल में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। जलस्तर आप देख सकते हैं किस तरीके से गाँव में लोग फंसे हुए हैं। हालांकि टीमें पहुंच गई है इन गाँव वालों को बचाने के लिए और हर संभव कोशिश की जा रही है इनको सुरक्षित बचाने की। बिल्कुल लगातार जो है एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात है और तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से देखिए जो गोताखोर हैं जो एनडीआरएफ की टीम में किस तरीके से रेस्क्यू कर रही हैं। पानी का तेज बहाव लगातार कई जो लोग हैं दरअसल वो गांव में फंसे हुए हैं। आपको बताएं गांव में रेस्क्यू के लिए जो प्रयास है वो लगातार किए जा रहे हैं और मौके पर प्रशासन ने हेलीकॉप्टर भी भेजे हैं। तो एसडीआरएफ की टीम अनंतवाड़ी रवाना हो चुकी है। महाराष्ट्र के यवतमाल में दरअसल आपको बताएं कि बाढ़ के हालात जिन पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र की तस्वीरें आपको उस समय दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं बारिश लगातार हो रही है। बारिश का मौसम बना हुआ है और उसकी वजह से नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। नदी नालों के जलस्तर की वजह से सड़कों तक पानी आ गया है। बाढ़ जैसे हालात कई इलाकों में समय बने हुए हैं। कई गाँव के लोग फंसे हुए हैं। हालांकि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है और इन लोगों को सुरक्षित बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। देखिए बस भी यहाँ पर फंसी हुई है इस पानी में। मध्यरात्रीपासून पूर्ण यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये जोरदार पाऊस सुरू आहे आणि विशेषतः यवतमाळ शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला। टोटल यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये 117.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे आणि यवतमाळ तालुक्यामध्ये 236.2 मिलीमीटर पाऊस आहे। महागावमध्ये 231 मिलीमीटर पावसाची नोंद झालेली आहे। आर्णीमध्ये 164 मिलीमीटर पावसाची नोंद